आज यानी बुधवार को भारत देश ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और इस राष्ट्रीय पर्व के मौके पर देश भर में जश्न और उत्साह का माहौल देखने को मिला। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी लोगों में उत्साह कम होता नहीं दिखा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए भी ये 73वां गणतंत्र दिवस बेहद खास रहा, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद श्रीनगर के लाल चौक में घंटा घर पर तिरंगा फहराया गया। घंटा घर के ऊपर भारतीय ध्वज फहराने के लिए हाइड्रोलिक क्रेन का सहारा लिया गया। इसमें सवार होकर जम्मू कश्मीर यूथ सोसाइटी से जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता साजिद यूसुफ ने अपने साथी बशीर भट्ट संग बड़ी शान से तिरंगा फहराया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने देशभक्ति धुनों पर रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए। बता दें कि 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर कश्मीर के ये बदले हालात देखकर सभी को बहुत खुशी हुई। ये वही लाल चौक था जहां कुछ समय पहले तक तिरंगा फहराने से लोग डरते थे, और आज कश्मीर से ही कुछ स्थानीय युवा आगे आए और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए लाल चौक पर बने घंटा घर पर तिरंगा फहराया।